अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स दाल की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने कुकर लिया है। अब मैंने 2/3 कप यानी हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा मिक्स दाल ली है। इसमें तूर दाल, मसूर दाल और मूंग दाल, तीनों दाल मिक्स है। अब हम इसे धुल लेंगे। देखिए, दालों को धुल दिया है हमने। अब मैं इसमें डालूंगी 1 roughly chop किया हुआ प्याज, जिसे मैंने इस तरह मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है, और 1 हरी मिर्च, आप हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और 2 medium size के टमाटर लिए हैं, उसे भी मैंने roughly chop कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 teaspoon जीरा डालेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमें इसमें इतना डालना है कि दाल जो है अच्छे से भीग जाए, उसके ऊपर 1 इंच के इतना पानी रह जाए। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। 4-5 कली मैंने लहसुन के लिए थी, इसे चॉप कर लिया इस तरह। फिर डालकर हम इसे बंद कर देंगे और 3 सीटी लग होने तक मैं इसे पकाऊंगी, जब तक ये गल ना जाएगा। देखिए, हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। मैंने 3 सीटी लगाई थी, आप अपने कुकर के हिसाब से लगा सकते हैं। इसे मैं एक खुले बर्तन में डाल देती हूँ। देखिए, मैंने इसे खुले बर्तन में इसलिए डाला है कि मैं आपको दिखा सकूँ। आप चाहे तो इसे कुकर में ही कंटिन्यू पका सकते हैं। अगर दाल आपको लग रही है साबुत है, तो आप दाल घोटने की मदद से इसे घोट सकते हैं। मैं बस चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दाल अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी थी, तो इसमें मैंने 1/2 कप के इतना पानी ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाला है। आप अपने हिसाब से सॉल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से दाल में मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसे 1 बॉईल आने तक हम पकने देंगे। जब तक इसकी 1 बॉईल आता है, हम दूसरी तरफ इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा ऑयल जितना हमें तड़के के लिए चाहिए। अब ये ऑयल हल्का सा गर्म होने लगेगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 6-7 जवे लहसुन के, जिसे इस तरह मैंने बारीक चॉप कर लिया है। देखिए, लहसुन का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। तब हम इसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी बारीक चॉप करके डाल दिया है इसके अंदर। अब इसे भी हम हल्का सा पकाएंगे। फिर 6-7 करी लीव्स इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने, और 1 मैंने लाल मिर्च इस तरह से तोड़कर इसमें डाल दी है। अब इसे थोड़ा सा हम पकाएंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून राई और 1 चुटकी हींग। अब जब तक राई अच्छे से तड़क ना जाए, हम इसे पकाएंगे। जब राई के अच्छे से फूटने की आवाज़ आ जाएगी, तो हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। अब हम दाल में से डाल देंगे, क्योंकि स्मैश का साउंड आया है। और बड़ी मज़ेदार से सिंपल सी दाल की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करते रहूँगी। मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।